पर जाकर के ब्रह्मा जी के आदेश से तपस्या किए और चूनाकार पद्धति से नहीं किए। इसके लिए उनको खेद हुआ कि जो हमको दर्शन नहीं हो रहा है। ब्रह्मा जी से फिर गए पूछने के लिए, तो कहे तुम जाओ और फिर तपस्या करो चूनाचार पद्धति से। चूनाचार पद्धति से बहुत दिन करने के बाद भगवती आकाशवाणी से हुआ, आकाशवाणी से कि तुम पर हम प्रसन्न हैं और तुम चलो हमारे साथ, यहाँ हम पूजा लेंगे। तो सदैव उपस्थित हुई और वशिष्ठ जी और उग्रतारा भगवती दोनों आदमी धर्ममूला बंगों के निकट होकर के मूला बहती है और मंदिर होकर के वही नदी बह रही थी। उस समय में यहाँ आए, यहाँ घंगोर जंगल था और ये चिनाचार पद्धति से तंत्र पूजा किया जाता था उनका, भगवती का। और यहीं आकर के पूजा शुरू की, और पूजा शुरू करने के पहले शर्त रखा गया भगवती वशिष्ठ जी से, जो आप यह पूजा में भय क्षोभ और घृणा नहीं होना चाहिए, यदि इस तरह का पूजा में हुआ तो हम यहाँ स्वतः प्रस्थल रूप ले लेंगे। और भगवती को यहाँ तो प्रस्थल रूप लेना ही था, और यहाँ सती का बायां नेत्र भी गिरा हुआ है। और उस पूजा के दरमियान में वशिष्ठ जी कहीं से बिचरते हुए जा रहे थे, नज़र पड़ा वशिष्ठ जी पर, नारद जी को देखे। उस पूजा से वो दुखित होकर के ब्रह्मा जी के नज़दीक पहुँचे और कहने लगे जाकर के भ्रष्ट हो गए, चलिए देखिए सजे। यहाँ आने पर भगवती तो अंतर्गामी थे और वशिष्ठ भी तो बहुत अगाध, भगवती सब पूजा के जितना भी सामग्री था उनको वितरित कर दिए और भगवती मक्खी के रूप में प्रसाद पर बैठ गए। वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी नारद जी को धोपते डांटते हुए लेकर के विदा हो गए। और उसके बाद भगवती वशिष्ठ जी को कहे तुम अपना आँख खोलो, मेरा अंतिम क्षण दर्शन करो। मैं भगवती से वशिष्ठ जी विलाप करने के बाद कहे जो हम प्रस्थल रूप लेंगे, अंतिम रूप का तुम दर्शन करो और तुम बंगाल चले जाओ और बंगाल में तारा का स्थापना करना, और यहाँ अब जो सृष्टि को हम दर्शन देंगे वही दर्शन तुमको देंगे, तुमको बंगाल में अब दर्शन होगा। उसके बाद वशिष्ठ जी चले गए। ये भगवती एक बहुत दिन के बाद पीपल में समा गई। यहाँ दरभंगा महाराज का राज होता था और उनको पुत्र नहीं था। उनको आत्मा आ गए जो तुम स्वप्न में दिए कि तुम जगह छागर देते हुए यहाँ आओ और हमारा मंदिर बनाओ। वो मंदिर बनाए और उसी दिन से चूनाचार पद्धति के अनुसार आज तक भी पूजा होते आ रहा है और दूर दूर से भक्तगण आते हैं जिनका मनसा पूरता है। यहाँ खाली हाथ कोई नहीं जाता है, जिनका मनमानसिक फल लेके आता है वैसे फल मिलता है, इसीलिए यह उग्रतारा भगवती प्रसिद्ध है।